आइए दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर? क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम जीरो टू बिलियंस इन द इंफॉर्मेशन एज। तो दोस्तों, अब तक तीन एजेस हो चुकी हैं रिगार्डिंग वर्क, काम के बारे में। जैसे कि सबसे पहली थी एग्रीकल्चर एज, जिसमें पीपल वर्क विद लैंड ओनर, जैसे किसान होते थे, वो किसी जमींदार के साथ काम करते थे। और दूसरी इंडस्ट्रियल एज, पीपल वर्क फॉर फैक्ट्री ओनर्स, या जैसे लोग दूसरी जॉब्स करते हैं कंपनीज के लिए। जैसे कि अब तक आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स भी और आपने भी शायद अब तक ये जॉब्स करते रहे हैं। तो जॉब्स का अब तक काफ़ी अच्छा मतलब फैशन चल रहा था, तो अभी रिसेंटली से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई है। तो ये दूसरा था। और तीसरा ये है इंफॉर्मेशन एज, जो कि 1986 से, जब जब से इंटरनेट अच्छा शुरू हुआ है, तब से इंफॉर्मेशन एज शुरू हुई है। तो आजकल एक्चुअली अभी इंफॉर्मेशन एज चल रही है। तो इसमें क्या होता है, पीपल वर्क विद अदर पीपल, बिजनेसेस एज बिजनेस पार्टनर्स। तो इसमें लोग किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर। तो अभी तक बिलियनर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एज कौन से हो चुके हैं, जैसे फेसबुक आपको पता है, ईबे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो फेसबुक, ये मार्क जकरबर्ग, ये इसने बिलियन डॉलर्स काफ़ी बनाए हैं। जैसे इसकी अभी 35 बिलियन इसकी वर्थ हो चुकी है। तो और इसकी एज अभी 32 साल ही है। तो देख लीजिए इंफॉर्मेशन एज में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस छोटी सी उम्र में भी ये बिलियनेयर, सबसे बड़ी आजकल तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज्ड साइट फेसबुक ही है। तो ये देख लीजिए, ये सब इंफॉर्मेशन का ही कमाल है। अगर ये जॉब करता होता तो आप सोच सकते हैं, तो इतनी कमाई, इतना नाम कमाना तो इम्पॉसिबल ही था। तो जैसे ईबे, ये इसका नाम भी क्या, पेरे ऑडीमियर जो भी है, इसकी 8 बिलियन वर्थ है अभी, 49 ईयर्स का है। और गूगल का ये लैरी पेज, इसकी भी 29 बिलियन है। आपको गूगल का तो पता ही है कि कितनी बड़ी कंपनी है, और सर्च सर्च इंजन ये दुनिया का नंबर एक है। और मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक ही है, और तो हम यूज़ करते नहीं ज़्यादा। इसकी एज भी अभी 43 ईयर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस इंफॉर्मेशन बिजनेस में बहुत तेज़ी से पैसा कमाया जा सकता है। और एप्पल का भी, आपको स्टीव जॉब की कहानी भी आपको पता ही है। तो एप्पल आजकल मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसकी 500 बिलियन वर्थ है। तो 500 बिलियन आप देख लीजिए कि कई देशों की भी इतनी कीमत नहीं होती, कि छोटे छोटे जो देश होते हैं, तो मतलब एप्पल के ऐसे छोटे छोटे देशों को खरीद सकता है। तो इतनी ज़्यादा पैसा बिल इसने, स्टीव जॉब्स ने बनाया था। तो ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स को पता ही है, दुनिया का पहले टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में इसका नाम आता है। तो इसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा, 80 बिलियन है। एज 60 ईयर्स हो चुकी हैं अभी। और बात यह है कि ये कैसे, हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन में पैसा बहुत है, पर हम देखते हुए कई लोग इंटरनेट मार्केटिंग ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। काफ़ी 1 साल 2 साल 3 साल कई लोग काम कर ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कुछ हाथ में कुछ आता नहीं है। लेकिन ये भी है, कुछ हम देखते हैं कि कुछ लोग गिने चुने, 1 2 3 4 5 10 लोग। तो अभी इंडिया में तो कम है, अदरवाइज इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंटरनेट मिलियनेयर्स बन चुके हैं। लेकिन अभी इंडिया में भी बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि इंडिया को पता ही, अभी इंडिया का ज़माना आ चुका है। और अभी नेक्स्ट 2 3 साल में, 5 साल में इंडिया मेरे ख्याल में नंबर एक हो सकता है इस इंटरनेट मार्केटिंग के फील्ड में, या जैसे अब इसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। तो बात यह है कि इंटरनेट मार्केटिंग में
या डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कैसे बनाते हैं लोग। तो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ कुछ कई ऐसे उल्टी सीधी स्कीम में आते हैं कि या $20 दो या मेंबर बनाओ, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन वो थोड़ी देर चलती हैं, कोई किसी ने पैसा बना लिया कोई, और मतलब 100 में से 1 आधे को पैसा बनता है, और वो भी शॉर्ट टर्म, तभी 2-3 महीने 6 महीने बाद साल बाद फिर सब कुछ गायब। तो ऐसा होता है क्योंकि लोग अच्छी तरह से इसको समझ, इसको एज ए बिजनेस नहीं लेते, इसे एज ए एक स्कीम लेते हैं कि पता नहीं कुछ कुछ स्कीम बना के कुछ यहाँ यहाँ क्लिक करके ही, मैं ना ऐसे को कुछ टेक्निक लगा के कुछ पैसा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसके फंडामेंटल्स, अगर आप आपके फंडामेंटल स्ट्रोंग हैं तभी आपको अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। तो अगर ऐसे जल्दी जल्दी अब सोचोगे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ हो जाएगा, तो ऐसी स्कीमें कामयाब नहीं होती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं टाइम खराब करने का। अगर आपने करना है तो इसे एज ए करियर ले अच्छी तरह से, जैसे कोई भी करियर, जैसे डॉक्टर बनता है तो उसमें कितनी पढ़ाई करता है, 7-8 साल, तो ये भी एक तरह से अलग प्रोफेशन है, इसमें भी आपको अच्छी नॉलेज चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि आजकल 7-8 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है, तो आजकल तो अगर आप कोई अच्छी तरह से सही ढंग से अच्छी गाइडेंस लेके आदमी काम करे तो 6 महीने 1 साल में भी बहुत कुछ पॉसिबल है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ये लोग कैसे पैसा बनाते हैं। तो ये देखिए, ये पहले तो ये फ्री में कुछ देते हैं, है ना, जैसे फेसबुक, आपने देखा है तो फेसबुक आपसे तो कोई पैसा तो नहीं ले रहा है ना, बल्कि आपको दे ही रहा, आप यूज़ कर रहे हो फेसबुक कितने कितने 7-8-10 सालों से, तो फेसबुक ने तो आपसे कभी पैसा नहीं मांगा। तो लेकिन लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पैसा पहले मिले, काम हम बाद में करेंगे पहले पैसा मिले, है तो ऐसा नहीं होता। ये भी जो ये जो सब ये कंपनी है, इन्होंने काफ़ी देर पहले इन्वेस्टमेंट की है, काम किया है बहुत ज़्यादा, जैसे अमेज़ोन है, वो अभी भी इंडिया में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी मेरे ख्याल में वो अभी भी इंडिया में अभी भी लॉस पे चल रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस में, तो 2-3 साल एक बार इन्वेस्टमेंट करके एक बार अपने वहाँ पर पैर अच्छी तरह से जम गए, उसके बाद कमाई ही कमाई है। तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है कि हम हमें जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, कि हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते नहीं कि हमें पहले मिले, तो इसलिए फिर कुछ मिलता नहीं है। बिजनेस का ये रूल होता है कि पहले आपको देना पड़ता है, जैसे आप दुकान वगैरह पे भी कहीं जाते हो तो वहाँ पर दुकानदार ने सारा सामान वगैरह इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर आप सारा सामान रखा होता है जो आपको पसंद आता है, तो वो आप लेते हो तो और उसे पैसा देते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कहेगा कि हाँ अपने ये चीज़ चाहिए ये मैं आपको मंगा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता, उन पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ भी बिजनेस करना होता है तो। ओके, तो सबसे पहले वो आपको कुछ फ्री देते हैं, और फिर वो जैसे वो दे एड वैल्यू, मैं वही मैंने कहा ना कि लोगों की सर्विस प्रोवाइड करना वही बिजनेस होता है। तो जैसे फेसबुक, फेसबुक ने आपको कुछ अपने फ्रेंड से बातचीत करने का, अपनी फ़ोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया, तो इसलिए आप उसे यूज़ करते हैं ना, तो फेसबुक ने ऐड की आपकी लाइफ को, लाइफ में वैल्यू है। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस पीपल बिकेम पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क एज देयर फैंस, तो एंड फॉलोअर्स एंड सर्विस यूजर्स, जैसे अब फेसबुक फेसबुक को आप पैसा कोई नहीं दे रहे, लेकिन लेकिन आपके उसके सर्विस यूजर्स बन गए हो, है ना, बिल्कुल पक्के कि अभी फेसबुक के बिना आप तो जीना भी, है ना, 1 दिन भी 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए फेसबुक अभी पैसा बना पा रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे सर्विस यूजर्स हैं, फैंस हैं, तो वो पैसा कैसे बनाता है, दे सेल अदर पीपल्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन टू द नेटवर्क इन विच दे मेक टन्स ऑफ मनी। तो फेसबुक डायरेक्टली हमसे पैसा तो नहीं ले रहा है, लेकिन जो भी हम
अपना कंटेंट वगैरह, अपने आइडियाज़ जो भी हम शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से फेसबुक चल रहा है, जो फेसबुक हमारे यूज़र्स जो है ना, हमारी वजह से ही चल रहा है। तो वहाँ पर वो इतने सारे अभी बिलियंस ऑफ लोग फेसबुक पे हैं, तो वो अभी एडवर्टाइजमेंट करके पैसा बना रहे हैं। तो जिन जिस लोगों को, क्योंकि बिजनेसेस को एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो अभी हम में से बहुत सारे जो यूज़र थे, पहले यूज़र थे, अभी धीरे धीरे हमें पेड एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब ये बिज़नेस का यही ढंग होता है। तो यही आपको भी ऐसा लॉन्ग टर्म सोच शुरू सोच रख के ही बिज़नेस शुरू करना चाहिए। ओके, आप आगे चलते हैं। अब बात ये आती है कि उन्होंने तो फेसबुक, अमेज़ॉन, इन सब ने तो अपने नेटवर्क या अपना कस्टमर बेस बना लिया है। तो अब बात करते हैं कि आपने अभी सोचा है कि कुछ बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस में तो नेटवर्क, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सो यही पूछना है कि हाउ इज़ योर नेटवर्क नाउ। अभी आप ज़रा एनालाइज करिए कि आपको कितने लोग फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, ऐसा ट्विटर वगैरह, इन सब पे कितने लोग हैं जिनसे आपका रियल में कॉन्टैक्ट है, अच्छे से आपका रिलेशन है। तो हु आर द पीपल हु ट्रस्ट, बिलीव एंड रिस्पेक्ट। तो जैसे बिजनेस में आपके साथ वही लोग करें, आपके साथ बिजनेस करेंगे जिनको आप पे विश्वास है ना, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो बिजनेस में यही, ये चीज़ विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप कैन यू यू कैन इन्फ्लुएंस। तो आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितने लोगों को आप पर विश्वास है। तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका बहुत सारे लोगों का आप पर विश्वास हो। जब जिस दिन आप बहुत सारे लोगों को आप पर विश्वास हो गया, तो तब से आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का विश्वास जीतिए। वो कैसे जीतेंगे, उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करके। तो वही आगे, इन व्हाट वेज यू इन्फ्लुएंस दम, ये आप अभी एनालाइज करिए कि आप जो भी फेसबुक में या जिस भी नेटवर्क में आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नेटवर्क में शामिल हैं, तो इट्स नॉट ओनली फेसबुक इन ऑनलाइन ही नहीं, वैसे ऑफलाइन भी जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, व्हाट आर यू गिविंग देम, इन व्हाट वेज यू इन्फ्लुएंस देम। तो जैसे आप जो भी आपका सर्कल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी तरह से, उनकी लाइफ को पॉजिटिवली, उनकी वाइफ लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, तब से उनको आप पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो अभी एक मैं चैलेंज करते हैं कि अभी आप क्या अभी जॉब कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम क्या है, और आपके मंथली एक्सपेंसेस, अलाउंसेस की जगह एक्सपेंसेस क्या हैं, कि हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन, ये सब खर्चा कितना है। तो वो खर्चा सब निकाल के अभी इनकम से, तो आपका मंथली कितना सेव होता है। तो अब फिर आप हिसाब लगा लीजिए, अब जॉब में अब आपका मंथली इतना सेव हो रहा है, तो आपका जो भी ड्रीम है, ड्रीम अब तो जैसे आपको ड्रीम होता है कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, तो ये सब चीज़ें लेने के लिए आपको अभी क्या लगता है कि अगर आपका जो भी सेविंग हो रही है, उस हिसाब से आप कितने सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो ये आप हिसाब लगा लीजिए कि नौकरी से आपको, नौकरी आपको कहाँ तक ले जा सकती है। तो और दूसरा ऑप्शन होता है एंटरप्रेन्योर, जो कि मैंने भी चुना है। तो एंटरप्रेनर होता क्या है, तो ये है टी हाव अकर ने कहा है, एंटरप्रेनर इज़ ए पर्सन हु सॉल्व्स अदर्स पर्सन्स प्रॉब्लम्स फॉर प्रॉफिट और पे। सो एंटरप्रेनर यही होता है कि जो दूसरे लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सॉल्व करता है और उसके बदले में उनसे पैसा लेता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेनर होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये आप सोच लीजिए कि आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है
ऐसा नहीं कि जैसे आप सोचते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक किया, वहाँ पर क्लिक किया, कोई ऐसी स्कीम में हाथ डाल लिया, तो ऐसे पैसा, वैसे पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने से, ठीक है। तो अभी यह हमारा पैथ है कि हम माई पाथ टू बिलियंस, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये मुझे बताना कि आपको ये वीडियो में से कुछ वैल्यू मिली, आपको कुछ सीखने में को मिला। अगर मिला तो आप यहाँ पर इसके कमेंट्स लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा है। जैसे ये मेरा अभी दूसरा तीसरा वीडियो है लाइफ में, मैंने इतने वीडियोज़ नहीं बनाए, तो अगर आप कमेंट्स भी लिखें और मुझे सजेशन भी दें कि मैं जो भी कमियां हैं या जो भी है ना प्लस और माइनस चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट करें, ताकि मैं, और आप ये बताइए कि आपको कुछ रियली कुछ सीखने को मिला है, या आपको ऐसे लगा कि ऐसे 10-15 मिनट हमारे वेस्ट ही किए, कुछ मिला नहीं। तो आपके फीडबैक से मैं फिर अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।